Hello students, welcome to my YouTube channel. So today we are going to discuss the topic burning. आज burning के बारे में पढ़ेंगे. इससे पहले हम लोग manufacture of bricks पढ़ रहे थे, तो सबसे पहले हम लोग पढ़े थे preparation of clay. तो जब हम लोग ब्रिक जो है मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ क्ले. ठीक है, सबसे पहले क्ले को प्रिपेयर करना होता है. सेकंड सेकंड स्टेप होता है आपका मोल्डिंग. ठीक है, थर्ड स्टेप होता है ड्राइंग, एंड द फोर्थ वन इज बर्निंग. सो ये चार ऑपरेशंस हुआ, उसके बाद हम लोग का ब्रिक जो है मैन्युफैक्चर होता है. सबसे पहले जब हम लोग क्ले प्रिपेयर करते हैं, तो हम लोग को टेम्पर्ड क्ले मिलता है. अगर इससे पहले आप मेरा पिछला वीडियोस नहीं देखा है, तो उसको जाके देख लीजिए. ये आपका काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा. टेम्पर्ड क्ले जो मिलता है, इसी से ब्रिक बनता है. तो ये क्ले जो है आपका, उसमें हार्डनेस प्रोवाइड किया जाता है टेम्पर्ड क्ले में, सुटेबल अमाउंट ऑफ हार्डनेस, जो ब्रिक बनाने में हेल्प करता है. फिर हम लोग मोल्डिंग करते हैं. फिर मोल्डिंग में हम दो टाइप का मोल्डिंग देखे थे. पहला आपका था हैंड मोल्डिंग, सेकेंड था मशीन मोल्डिंग. हैंड मोल्डिंग भी आपका दो टाइप का होता है, ग्राउंड मोल्डिंग या फिर ग्राउंड मोल्डेड ब्रिक्स, और दूसरा होता है टेबल मोल्डेड ब्रिक्स. टेबल मोल्डेड ब्रिक्स ड्राइंग आपका दो टाइप का होता है. पहला नेचुरल ड्राइंग, जिसमें 3 to 7 days लगता है. सेकेंड होता है आर्टिफिशियल ड्राइंग. फोर्थ है आपका बर्निंग. ठीक है, सबसे पहले प्रिपेयर किए क्ले को, फिर मोल्ड किए, फिर ड्राई किए, अब बर्न करेंगे. फाइनली बर्निंग के बाद जो है आपका ब्रिक तैयार होगा. तो ब्रिक को बर्न करने का दो तरीका होता है. पहला हो गया क्लैम्प बर्निंग, दूसरा हो गया किल्न बर्निंग. ठीक है, एक तो ब्रिक आपका क्लैम्प में बर्न किया जाता है, एक किल्न में बर्न किया जाता है. ये दोनों हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे. सबसे पहले क्लैम्प बर्निंग के बारे में देखेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये आपका क्लैम्प बर्निंग. ठीक है, तो क्लैम्प बर्निंग का आपका सेक्शनल व्यू है ये. ठीक है, मीन्स साइड से जो हम लोग देख रहे हैं, तो कैसे दिखेगा, ये हो गया आपका क्लैम्प बर्निंग. ठीक है, ये आपका टेम्प्रोरी स्ट्रक्चर होता है. टेम्प्रोरी स्ट्रक्चर मीन्स ब्रिक को जब हम लोग बर्न कर लेते हैं, तो उसके बाद इस स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, डेमोलिश कर देते हैं, मतलब तोड़ देते हैं. ठीक है, तो ये आपका टेम्प्रोरी स्ट्रक्चर है. सेकेंड क्या है, कंस्ट्रक्टेड ओवर द ग्राउंड, मीन्स ग्राउंड के ऊपर इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ग्राउंड के ऊपर बनाया जाता है. थर्ड इसका क्या है, हाइट जो है आपका 4 से 6 meter रहता है. ये जो है ये क्लैम्प है, इसका हाइट आपका 4 to 6 meter रहता है. और ये वैसे ही जगह इम्प्लॉय किया जाता है जहाँ पे ब्रिक का डिमांड काफ़ी लो हो. ठीक है, जैसे गांव वगैरह हो गया या छोटा टाउन हो गया, तो वहाँ पे ब्रिक का डिमांड कम रहता है, तो वैसे जगह में क्लैम्प बर्निंग किया था. ठीक है, जहाँ पे ब्रिक ज़्यादा ब्रिक का डिमांड नहीं रहता. नेक्स्ट, ये जो आपका है ट्रेपेजोइडल रहता है इन प्लान. प्लान में जो है, प्लान मीन्स टॉप व्यू. टॉप व्यू ऊपर से अगर इसको हम देखेंगे, तो ये ट्रेपेजोइडल शेप का दिखता है. यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हम लोग ऊपर से देख रहे हैं, तो ये ऊपर से जो है ट्रेपेजोइडल टाइप का दिख रहा है. नेक्स्ट क्या है, शॉर्टर एज बिलो द ग्राउंड.
जो शॉर्टर एज होता है, यहाँ पे अगर देखिए ऊपर से हम लोग देखेंगे तो ये कुछ इस टाइप का दिख रहा है, तो ये जो है आपका शॉर्टर एज है, ये जो है आपका लॉन्गर एज है। तो जो शॉर्टर एज है वो ग्राउंड के अंदर रहता है, मैं थोड़ा सा ग्राउंड के अंदर रहता है, यहाँ पे देखिए ये शॉर्टर एज है तो ये ग्राउंड के हल्का सा अंदर है, और ये जो लॉन्गर एज है सो ग्राउंड के बाहर है, ठीक है। और ये जो ग्राउंड के बाहर है तो ये आपका कांस्टेंट सरफेस रेजिंग होता है, ठीक है। मीन्स यहाँ पे आप देखिएगा ये कांस्टेंटली जो सरफेस धीरे धीरे बढ़ाया गया है यूनिफॉर्मली, और एक कितना डिग्री बनाता है 15 डिग्री, ठीक है। तो 15 डिग्री आपका कांस्टेंट रेजिंग होता है, सरफेस रेजिंग हॉरिजॉन्टल के साथ ही 15 डिग्री बना रहा है, ठीक है। ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि ये बर्निंग में सपोर्ट करता है, ठीक है, इसलिए सरफेस को रेज किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, वर्टिकल ब्रिक एंड मड वॉल इज कंस्ट्रक्टेड। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है आपका वॉल जो है वो, ये तो पूरा वर्टिकल वॉल है, ब्रिक और मड इसमें यूज हुआ है। मड मड हो गया कीचड़, जब मड यूज़ होता है ना, ब्रिक को हम लोग ले करते हैं गांव वगैरह में, चूँकि टेम्प्रोरी स्ट्रक्चर है ये, परमानेंट है नहीं, जो हम लोग सीमेंट यूज़ करें तो हम लोग बीच बीच में मड डाल देते हैं, फिर ब्रिक का लेयर रखते हैं। तो ये जो बीच में जो आपका मोर्टार यूज हो रहा है वो मड है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, फर्स्ट लेयर ऑफ फ्यूल इज लेड। अब क्या किए, ये स्ट्रक्चर हम लोग का तैयार हो गया, फिर हम लोग फ्यूल डालते हैं इसमें। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फ्यूल, तो सबसे पहले फ्यूल का लेयर एक डाल दिए, ये फ्यूल का लेयर हो गया। अब फ्यूल में क्या क्या रहता है, आपका कोल हो सकता है मीन्स कोयला, वुड हो सकता है लकड़ी, और जो लोकली अवेलेबल होता है जैसे काउडंग और हस्क। तो काउडंग मीन्स हो गया गोईठा, हस्क यही जो ग्रास वगैरह रहता है वो सब हस्क हो गया, बिचाली उचाली जो गांव में जनरली इजीली अवेलेबल हो जाता है, तो ये सब जो है एज ए फ्यूल यूज होता है। अब जब हम लोग फ्यूल का पहला लेयर डाल दिए, फिर क्या करेंगे, दूसरा लेयर डालेंगे किसका, ब्रिक का। ये जो है आपका ब्रिक है जिसको हम लोग को पकाना है मीन्स बर्न करना है, ये आपका ब्रिक का लेयर रहता है, ठीक है। और ये ब्रिक का लेयर 4 to 5 रो रहेगा, जैसे यहाँ पे 4 रो है, 1 2 3 4, 4 रो में ब्रिक है आपका, ठीक है। फिर इसके ऊपर रो होगा, तो ये ब्रिक का रो हो गया, तो 4 से 5 रह सकता है रो आपका। फिर अल्टरनेट फ्यूल डालेंगे, फिर ब्रिक का लेयर डालेंगे, फिर फ्यूल, फिर ब्रिक, ठीक है, ऐसे ऐसे ऊपर तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद क्या करते हैं, टॉप सरफेस जो है यहाँ पे, जो इधर पूरा हम लोग अर्थ से ढक देते हैं, अर्थ मीन्स हो गया आपका क्ले, क्ले से पूरा ढक दिया जाता है, ऊपर का सरफेस को भी क्ले से ढक दिया, अर्थ से ढक दिया जाता है। वैसा हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम लोग इसको इग्नाइट करेंगे, मतलब जब हम इसको जलाएंगे, ठीक है, मान लीजिए नीचे से हम लोग इग्नाइट कर दिए, इधर भी इग्नाइट कर दिए, तो जब हम लोग इग्नाइट करेंगे तब तो ऑब्वियसली जलेगा, तो इसमें हीट, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा, और वो हम लोग नहीं चाहते कि बाहर निकले, जो भी हीट है वो पूरा ब्रिक पे जाए, तो ब्रिक जो है उसको पूरा कंज्यूम करें ताकि अच्छा से वो बर्न कर सके। ब्रिक को तो बहुत टेम्परेचर चाहिए होता है ना बर्न करने के लिए, अब वो हीट जो है जल्दी एस्केप कर जाएगा एटमॉस्फेयर में, तो हम लोग का ब्रिक अच्छे से बर्न नहीं हो पाएगा, तो ये चीज़ हम लोग चाहते नहीं है, तो इसीलिए हम लोग मड से चारों तरफ से हम लोग ढक देते हैं, बस एक जगह मतलब कि नीचे हल्का हल्का गैप रहता है ताकि ऑक्सीजन का सप्लाई बना हो रहा है, ठीक है, ऐसे करके गैप रहता है ताकि ऑक्सीजन अंदर जा सके। तो टॉप सरफेस को भी हम लोग मड से ढक देते हैं।
यहाँ पे लिखा हुआ है टॉप सरफेस इज कवर्ड विथ मड टू प्रिजर्व हीट, हीट को प्रिजर्व करने के लिए, हीट को बचाए रखने के लिए। इट इज़ केप्ट अंडर फायर बाय इटसेल्फ, एक बार जो हम लोग इग्नाइट कर दिए उसको, फायरिंग कर दिए, एक बार इग्नाइट कर दिए तो ये अपने आप जो है इसके अंदर आग लगा हुआ रहता है 1 to 2 months, 1 से 2 महीना तक जो है आपका आग लगा हुआ रहता है, अंदर ये जलते रहता है। सेम टाइम पीरियड इज नीडेड फॉर कूलिंग ऑफ द ब्रिक्स, और जब ये पूरा पक गया तो अचानक से उसको हम निकाल नहीं सकते क्योंकि काफ़ी गर्म रहता है, तो उसको कूल होने में भी 2 से 3 महीना लगता है, 2 to 3 month। मीन्स जैसे ये फ्यूल रखा हुआ है, ये आपका ब्रिक्स हो गया, ये फ्यूल, फिर ये फ्यूल, ये ब्रिक्स, तो जब हम लोग इसको इग्नाइट किए तो चूंकि चारों तरफ मड से ढक दिए तो ये आपका 2 से 3 महीना जलते रहता है और उतना ही समय लगता है आपको कूल होने में भी। ठीक, इसका क्या डिसएडवांटेजेस हैं हम लोग देख लेते हैं क्या क्या कमी इसमें है। पहला कि ये जो आपका बॉटम का ब्रिक्स रहता है वो ओवर बर्नड हो जाता है, मीन्स ज़्यादा पक जाता है। ठीक है, ओवर बर्न भी सही नहीं होता क्योंकि उसका शेप डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, मीन्स शेप उटपटांग हो जाएगा। और जो टॉप का है, जो टॉप का ब्रिक्स होता है वो अंडर बर्न्ड होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ऊपर का जो ब्रिक है ये सब यहाँ जो अर्थ से कनेक्टेड है ये सब क्या हो जाएगा, अंडर बर्न्ड हो जाएगा। ये लेयर अंडर बर्न्ड हो गया, मीन्स ये सॉफ्ट ही रह जाता है तो उतना ये आपका लोड नहीं ले पाता है। जो आपका बॉटम का ब्रिक्स है, यहाँ पे देखिए ये सब बॉटम का ब्रिक्स है, तो ये सब जो क्या है ओवर बर्न्ड हो जाता है, मीन्स ज़्यादा पक जाता है क्योंकि दोनों साइड फ्यूल है, इधर से भी ये हीट ले रहा है, इधर से भी हीट ले रहा है, तो ये ओवर बर्न्ड हो जाता है। तो ये पहला डिसएडवांटेज है, वही टॉप का ब्रिक जो है अंडर बर्न्ड हो जाता है। कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ब्रिक्स, जहाँ हम लोग को ज़्यादा ब्रिक्स चाहिए, लार्ज नंबर ऑफ ब्रिक्स चाहिए, वहाँ पे क्लैम बर्निंग को हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। तीसरा क्या डिसएडवांटेज है कि मानसून सीजन में जो है इसको एम्प्लॉय नहीं किया सकता। ऑब्वियसली मानसून में काफ़ी बारिश होगा तो वैसे समय में जो हम लोग हीट प्रिजर्व करना चाहते हैं ये नहीं रह पाएगा, तो इसलिए मानसून सीजन में जो है इसको एम्प्लॉय नहीं किया जाता। कॉस्टली इन टर्म्स ऑफ फ्यूल एज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज़ वेस्टेड, अब फ्यूल ऑब्वियसली इसमें काफ़ी ज़्यादा लगता है, इतना फ्यूल लग जाता है, इसको हम रेगुलेट नहीं कर सकते ना इसका हीट को, यहाँ फ्यूल काफ़ी ज़्यादा लग जाता है कि आपका हीट जो है आपका पक गया है तो हम उसको फ्यूल को हटा दें, ऐसा होता नहीं है। ये अपने आप जितना 2 से 3 महीने में पक पाता है वो पकता है, तो नीचे का जो है ओवर बर्न्ड हो जाता है, तो इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ फ्यूल जो है लॉस हो जाता है, तो ये भी आपका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है क्लैम बर्निंग का। तो आज हम लोग क्लैम बर्निंग के बारे में जाने, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किल्न बर्निंग के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू फॉर लिसनिंग, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, कीप वॉचिंग माई चैनल।